हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आपको जो तस्वीर अच्छी लग रही है, जो कार्ड्स आपको पसंद आ रहे हैं, या नंबर वन या नंबर टू, चुन लीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है आने वाले कुछ समय में आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो देखिए, टॉपिक तो हम गुड न्यूज़ का लेके चल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको गुड न्यूज़ ही मिले। हो सकता है कि आपको गाइडेंस मिल सकती है, आपको सलाह मिल सकती है। तो जो भी चीज़ आपको पता चले, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ से कनेक्ट हो रहा है, तो उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा कि आने वाले समय में आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से आपको जो पसंद आ रहा चुन लीजिए। आपको दो कार्ड्स दिख रहे हैं, दो तस्वीरें दिख रही हैं, इसमें से जो तस्वीर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उसे आपको अपने लिए देखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी तस्वीर नंबर वन चुनी है, अगर आपने तस्वीर नंबर वन चुनी है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ लग रहा है जैसे कि जॉबलेस टाइप की सिचुएशन है, मतलब पैसे की दिक्कत दिख रही है आपके लाइफ में, पैसों की कमी दिख रही है यहाँ पे, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी अपने आप को महसूस करते हैं कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, इसके चलते जो चीज़ आपके पास है आप उसकी कदर भी नहीं कर पा रहे हैं और बहुत परेशान रह रहे हैं। और जो चीज़ें हैं बहुत धीरे धीरे होके आपके पास आती हैं, चाहे वो खुशियाँ ही क्यों ना हो, चाहे वो कहते हैं ना धन की कमी, बहुत ज़्यादा महसूस आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। मन नहीं लग रहा है आपका किसी भी कार्य में, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप तरक्की चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं रही है। ये सिचुएशन आपके लाइफ की, और जिसको लेके आप एकदम से अब चीज़ों को छोड़ चुके हैं कि अब बस जो हो रहा है सो हो रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ये फीलिंग आपकी है। अगर ये चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही हैं तो ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होगी, अगर नहीं हो रही हैं तो नहीं कनेक्ट होगी। कोई बात नहीं, जो रीडिंग का टॉपिक है वो बार बार रिपीट होता रहता है, तो कभी ना कभी आपसे कनेक्ट ज़रूर होंगी। हमारे जो आज रीडिंग उसका टॉपिक है कि आपको कौन सी इच्छा पूरी होने वाली, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये तो हमने आपकी वो देखी कि सिचुएशन क्या है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो आइए देखते हैं आपके लाइफ में कुछ समय में क्या चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, जिसका इंतज़ार आपको है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर वन, तस्वीर नंबर वन को चुना है, सॉरी थोड़े से कार्ड्स बिखर गए, हम इसको चलिए देख लेते हैं। अब हमें क्या पता चलता है कि आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। कार्ड नंबर वन, देखिए ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि लोग आपकी स्थिति को महसूस नहीं कर रहे हैं, आपकी आपको सम्मान जो कहते हैं वो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। आपकी फैमिली के लिए, आपके जो आपके दोस्त हैं या फिर आप किस रिलेशनशिप में हैं, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। गुड न्यूज़ के लिए हम कार्ड देख रहे थे, इच्छा पूरा होने की कार्ड देख रहे थे, ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए कि अगर आप किसी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आने वाले समय वो चीज़ दिख रही है। अगर आपका जो भी तैयारी है, जो भी इच्छा है, अगर किसी न किसी ऐसी सर्विस से है जहाँ पे यूनिफॉर्म पहना जाता है, जैसे पुलिस आप समझ सकते हैं, आर्मी जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं,
अगर ऐसी किसी भी काम करना चाहते हैं ऐसी किसी जगह पे, तो वो चीज़ दिख रही है कि होगी आपके लाइफ में, गुड न्यूज़ के तौर पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ज़रूरत ये है कि अभी थोड़ा सा आपको चीज़ों को शांत रह के देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अपनी स्थिति को, अपने प्रेजेंट को दिखाने की कोशिश ना करें, लोगों के सामने ये बताने की कोशिश ना करें कि देखिए देखिए मेरी भी कुछ इम्पोर्टेंस है। अगर जितना आप लोगों के पीछे भागेंगे लोग, उतना ज़्यादा आपको कहते ना सम्मान नहीं देंगे। तो ये दिख रहा है कि आपको इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि लोग आपको जो आप चाहते हैं सम्मान मिले वो आपको नहीं मिल रहा है। गुड न्यूज़ के लिए मैंने आपको बता दिया कि मुझे जो चीज़ें दिखी वो यही दिख रही हैं कि आपको बहुत जल्दी लाइफ में वो चीज़ देखने को मिलेगी जिसका इंतज़ार आप बहुत समय से कर रहे हैं। और देख लेते हैं कि क्या इच्छा है जो आपकी पूरी हो सकती है। तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, उनकी कौन सी विश है जो पूरी हो। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि एक कार्ड और देख लेते हैं। आपके जो कार्ड्स हैं उसमें एनर्जी जो है ना बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक हताश डिप्रेस इंसान की दिख रहा है, बहुत डार्क एनर्जी जो दिख रही है। जैसे लग रहा है कि आप लाइफ से बहुत दुखी हैं, हद से ज़्यादा जैसे हम कहते हैं एकदम से। जो जो एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ इंसान बस निगेटिव ही निगेटिव सोचता है, जहाँ डिप्रेस ही डिप्रेस इंसान फील करता है, ऐसा है। लेकिन आप ऐसे हैं नहीं, आप जिसलिए बने हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों को बनाते हैं, जो कहते हैं ना क्रिएटर बनाना है आपके अंदर। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप परेशान हो गए हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सुधर जाएंगी अगर आप अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप को निगेटिव निगेटिव सोचते 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 अगर आप खो रहे हैं ना, तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। आपको खुद को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा जो टॉपिक है कि आने वाले समय में क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, क्या इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो तो होगी ही होगी। साथ में आपको तैयारी करते रहना है, कुछ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि प्रतियोगिता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यानी जहाँ ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग पेपर देते हैं, पेपर में बैठते हैं, जैसे यूपीएससी हुआ, सिविल सर्विस हुआ, ये सब जगह की अगर तैयारी आप में लगे हुए हैं तो तैयार हो जाइए। अपना जितना भी आपके पास एनर्जी है उसमें डाल दीजिए। ये गुड न्यूज़ आपके लिए है कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा जिसका किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, कोई परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं वो। तो आइए आपके लिए कुछ चीज़ें और देखते हैं, हमें क्या पता चलता है। बहुत जल्दी आपके लाइफ में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है ना कि कुछ ही समय में चीज़ें बदलेंगी, कुछ समय में ही चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। आपको तब तक के लिए अपने आप को पॉजिटिव करना है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं है, बहुत सारा धन है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं ना बहुत निगेटिव चल रही हैं, वो खुद आपने खुद क्रिएट कर ली है चीज़ें, ठीक है। जितना उतना सोचना नहीं था जितना आपने सोच लिया। आइए साईं बाबा के संदेश देख लेते हैं आपके लिए। गुड न्यूज के लिए ये कार्ड्स हैं, तो गुड न्यूज आपको है कि आपने जो भी चाहा है लाइफ में वो चीज आपको मिलेगी बस कुछ समय में, ठीक है। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय बनिए। तो ये साईं बाबा के कार्ड्स आपके लिए हैं। भरोसा आस्था, समझ रहे हैं आप, इसको धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। देखिए क्या होता है ना लाइफ में, हमारे पास जो भी इच्छा होती है उसे हम चाहते हैं जल्द से जल्द पूरी हो जाए, चाहे उसका सही समय हो या ना हो। हमें लगता है कि ये हमारी विश है तो ये सही समय है, ये चीज़ हो जानी चाहिए। लेकिन यकीन मानिए चीज़ें तभी होंगी जिसका जब उसका सही समय होगा। तो सही समय का इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा ईश्वर पे बना के रखिए। ये नहीं है कि आप कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही है लाइफ में तो आप फिर ये कहने लगे कि नहीं ईश्वर तो आपकी सुनते ही नहीं है, ऐसा है वैसा है।
तो पॉजिटिव रहिए, जितना जल्दी आप अपने आप को सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे, जो एक नेगेटिव एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, बहुत डिप्रेस हैं, जहाँ हताश हैं, जहाँ पे आपने सब चीज़ों को ऐसे छोड़ रखा है कि चलो जो हो रहा है होने दो लाइफ में, जब तक चीज़ों को आप समेटेंगे नहीं, अपने कार्य पे, अपने कर्म पे आप ध्यान नहीं देंगे, तब तक चीज़ें कैसे बदलेंगी। तो ये खुद से आपको लड़ना है, खुद से आपको सब चीज़ों से बाहर निकलना है। गुड न्यूज़ के लिए भी कार्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं कि गुड न्यूज़ भी आपके लाइफ में आ रही है, सब कुछ है, लेकिन जितना जल्दी आप अपने आप को सब चीज़ों के लिए ठीक करेंगे, चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। तो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, आपको क्या गुड न्यूज मिलने वाली है। जरूरी नहीं है कि गुड न्यूज ही मिले, सलाह भी मिल सकती है। चलिए तो हम देख रहे हैं कि जो भी कार्ड नंबर 2, तस्वीर नंबर 2 जिन लोगों ने भी चुना है, उनके लाइफ में क्या गुड न्यूज आने वाली है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आपके लाइफ की सिचुएशन क्या चल रही है, इससे आप ये समझ सकेंगे कि वीडियो आपके लिए है या नहीं है। देखिए अभी ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ में अभी आपने एकदम से जो कहते हैं ना क्लियर हो गए हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत क्लियर हो चुके हैं और कुछ नया स्टार्ट आपने किया है, कुछ नई चीज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी कुछ रहा आपके पास्ट में जिससे आपको खुशी नहीं मिली, लेकिन फायदा बहुत हुआ कि उससे खुशी नहीं मिली। तो थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बेंस हो गई बीच में। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि अभी जो सिचुएशन आपकी लाइफ की दिख रही है ना, बहुत ही ज्यादा आप लाइफ में क्लियर हो चुके हैं कि अभी आपको क्या करना है और फ्यूचर के लिए आपने क्या सोच रखा है, चीजों को आपने क्लियर कर लिया है। ये चीजें अभी रिसेंट में हुई है, अभी आपका जो माइंड है एकदम से क्लियर है, आपने अपनी सच्चाई का सामना किया है, आपने ये क्लियर देख लिया है कि आप सच में आपके पास क्या काबिलियत है, आप किस लायक हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करने के लिए आप बने, ये सब कुछ आपने चीजों को थोड़ा सा मूव ऑन किया है। जो चीजें आप अब तक कर रहे थे वो चीज ना करके कि आप कुछ अब नया करने जा रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अब असल में आप वही चीज करने जा रहे हैं जो चीज आपको सच में चाहिए थी जीवन में। अभी तक आप कुछ ऐसा कर रहे थे जिसमें आपको तरक्की तो मिल रही थी, अच्छा सब कुछ चल भी रहा था, लेकिन खुशी नहीं मिल रही थी, या फिर आपने जो तरक्की सोची थी वैसी तरक्की आपको नहीं मिल रही थी। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है आपकी। अगर ये सब चीजें आपसे कनेक्ट होंगी तभी आप समझिएगा कि ये वीडियो आपके लिए है और तभी आप आगे का रीडिंग को सुनिएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें मुझे दिखी हैं। अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है तो जो भी हम यहाँ देखने जा रहे हैं गुड न्यूज आपके लिए, इच्छा कौन सी पूरी हो रही है, कब हो रही है, वो सब हम आपके लिए देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर में अभी हमें क्या जानने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2, तस्वीर नंबर 2, पाल नंबर 2 चुना है, उनके लाइफ में अभी आने वाले समय में उन्हें कौन सी गुड न्यूज देखने को मिल सकती है। देखिए एक चीज मैंने देखी है कि चाहे पायल नंबर 1 हो चाहे पायल नंबर 2 हो, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ना कि उनकी लाइफ में जो चीजें हैं लगभग सेम ही हो रही हैं, क्योंकि एनर्जी लगभग वही है। ऐसा लग रहा है कि आप काफी परेशान थे, कुछ नया स्टार्ट आपने करने का सोचा भी है, वो आप करेंगे भी, उसमें आपको तरक्की भी मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग हो सकता है थोड़ा सा उतना ना आपको तरक्की मिले जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपने काम स्टार्ट किया अचानक से आपका कहते हैं ना जैकपॉट लग गया, वो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि काम है, काम में धीरे 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 सफलता आपको मिलती है। गुड न्यूज है कि अगर आप अपना लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं, कोई अच्छा दोस्त खोज रहे हैं, कोई ऐसा इंसान खोज रहे हैं जो आपकी हेल्प कर सके, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको आपका परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल सकता है बहुत सारे लोग के लिए, और एक ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका एक सहारा बनेगा,
ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे देखने को मुझे मिले। आइए देख लेते हैं और क्या चीजें आपकी लाइफ में, क्या गुड न्यूज, क्या इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना था, तस्वीर नंबर 2 को चुना था, देखिए आपने कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर दिया लाइफ में कि अब आपको ये चीज करनी है, चुनना है, और आप बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होके, बहुत ज्यादा अपने ऊपर आत्मविश्वास लेके चीजों को। लेकिन एक चीज आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा आप जो भी चीज आपकी लाइफ में होने जा रही है, जो भी चीज आप करने जा रहे हैं, उसको लेके थोड़ी सी अपने ज्ञान को बढ़ा लीजिएगा। कुछ ना कुछ नया आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए कार्ड्स जो हम आज देख रहे थे गुड न्यूज के लिए देख रहे थे, और आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली, कौन सी विश पूरी होने वाली है, ये सब हम टॉपिक लेके चले थे स्टार्टिंग में। लेकिन शुरू में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि देखिए जरूरी नहीं है कि आपको गुड न्यूज ही देखने को मिले, ठीक है, आपको सलाह मिल सकती है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि इस रीडिंग से एक सलाह मिल रही है कि जो कार्य आप सोच रहे हैं उस कार्य में आप आगे बढ़ जाएंगे, वो काम को आप करेंगे भी। लेकिन थोड़ा विश्वास रखिएगा खुद के ऊपर, चीजें स्टार्टिंग में आपको एकदम से अच्छी नहीं मिलेंगी, उसको अच्छा बनाना पड़ता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये तो होता नहीं है कि हमने एक शॉप खरीद ली, कुछ चीजों को लाके वहां पे रख दिया, उसको हम बेचने लगे और लोग वहां पे लाइन लगा के खड़े हो गए खरीदने के लिए, ऐसा नहीं होता है ना। तो धीरे धीरे ही वो हर एक चीज धीरे धीरे करके ही बढ़ती है आगे, हर एक चीज, चाहे वो आप उदाहरण के तौर पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक पेड़ आप लगाते हैं वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वैसे ही आपका बिजनेस भी होगा। जो भी काम आप सोच रहे हैं, चाहे वो बिजनेस को लेकर सोच रहे हैं, कोई पढ़ाई को लेकर सोच रहे हैं, कोई नौकरी को लेकर सोच रहे हैं, वो सब चीजों में आपको कहते हैं ना कि उसमें अच्छा चीज मिलेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन वो धीरे धीरे होगी। और लाइफ पार्टनर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आइए देखते थे साईं बाबा के क्या संदेश है आपके लिए, साईं बाबा का क्या सलाह है आपके लिए। रूहानी गुरसमूह, रूहानी गुरसमूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो ये देखिए क्वेश्चन शायद आपको दिख नहीं रहा है, चलिए अब दिखेगा आपको, ठीक है। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपकी मदद करना चाहेगा और बिल्कुल आपकी मदद करेगा, आपको उस मदद को लेना है। एक कार्ड आपके लिए है करुणा, पशु पक्षी के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए लाइफ में, आगे जो भी चीजें हैं बहुत अच्छी होने वाली हैं। आइए कुछ चीजें और देख लेते हैं इन फ्यूचर आपके लिए, क्या सलाह है, क्या गाइडेंस है और क्या आपके लाइफ में अच्छा होने वाला है, क्या गुड न्यूज मिलने वाली है आपको। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, देखिए रुकना नहीं है आपको, है ना, जीवन में कभी भी आपको रुकना नहीं। जैसे ही कार्ड्स आपके आ रहे हैं उसमें भी ये लग रहा है कि जो भी चीज आपने अब सोच ली है ना, अब उसमें अच्छा हो बुरा हो सब ईश्वर जी के पास ही होगा, ये सोच के बस आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। अक्सर यही होता है ना कि चीजों में हम खुद ही अपना मन से ही रिजल्ट निकालना स्टार्ट कर देते हैं सफलता मिलने की आपको, ठीक है। जो चीज आप सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, कोई योजना चल रही है फ्यूचर को लेके, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। रुकना नहीं है, आपको करते रहना है चीजों को और आगे बढ़ते रहना है पॉजिटिव सोच के साथ। जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं अगर आपको सही लगे तो उसे फॉलो जरूर कीजिएगा। सिचुएशन अगर आपसे कनेक्ट हुई है फिर तो जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्ड्स मैंने निकाले हैं ना वो सच में एक बहुत अच्छे आप गाइडेंस के रूप में उसको ले सकते हैं, फिर जीवन को बदल सकते हैं। अगर चीजें कनेक्ट हो रही हैं आपके जीवन में, वो सब चीजें घटित हो रही हैं, तब क्यों नहीं आप यहाँ से जो भी चीजें आपको पता चल रही है उसे सहायता आप लें, बिल्कुल लीजिएगा अगर आपको लगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की रीडिंग का टॉपिक पसंद आया होगा। गुड न्यूज हम देखने बैठे थे लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल गई, तो हो सकता है कि आने वाले समय के लिए यही सारी बातें आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट होंगी, तो इसलिए शायद कहते हैं ना धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं, तो आप जो कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वक्त लगेगा। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो कई बार बनता है सेम टॉपिक वीडियो, तो अगर आपसे कनेक्ट नहीं हुआ ये वीडियो और आपको लग रहा है ये आपके लिए नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।